बागपत लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा ने आज मोदीनगर विधानसभा चुनाव कार्यालय का हवन पूजन और विधि विधान से शुभारंभ किया है। इस अवसर पर उमड़े भारी जन समर्थन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये लड़ाई सच और झूठ के बीच की है। उन्होंने कहा कि 36 जातियों के समर्थन से वो चुनाव मैदान में है और उन्हें पूरा विश्वास है कि जनता उनको भारी मतों से विजयी बनाएगी। नेटवर्क 10 की टीम ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अमरपाल शर्मा से खास बातचीत की है। मेरे साथ हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी बनाए गए पंडित अमरपाल शर्मा, जिन्हें यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। आज उन्होंने अपना विधिवत उद्घाटन अपने कार्यालय किया है मोदी नगर विधानसभा का। उसे जान लेते हैं क्या क्या उनके मुद्दे होंगे, क्या क्या प्राथमिकताएं होंगी, उनके चुनाव अभियान को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहला एजेंडा हमारा भाईचारे का है कि ये जो हमारा भाईचारा बिगाड़ा जा रहा है, हमें आपस में बांटा जा रहा है, हम इसको एक रखें, क्योंकि इंसानियत से बढ़ के कोई एजेंडा नहीं। सबसे पहला हमारा इंसानियत का है। आप जो अन्य प्रत्याशी हैं, जब मुकाबले की बात आती है, हर आदमी एक दूसरे को अपने मुकाबले में बताता है कि उससे मुकाबला, ये उससे मुकाबला। मेरा अगर कहीं मुकाबला है तो झूठ से मुकाबला है। मेरा मुकाबला झूठ से है और किससे मुकाबला। और सभी मेरे साथ हैं, और जो थोड़ी घनी हम में दोनों भाइयों में त्यागी ब्राह्मण में थोड़ी घनी आपस में वो थी अलग चलने की प्रथा, आज आपके सामने ही सारी प्रथा दूर हो गई। सब हम एक साथ खड़े, क्या होती है, कैसे निमटना होता है, ये सीक्रेट विषय होता है। अगर इसको हम आपको बताएंगे और आप इसे प्रसारित करेंगे तो सामने वाला सजग हो जाएगा कि ये इस चीज से चुनौती मानना। तो इसलिए ये सब मेरा विषय है कि जहां तक दल की बात आती है, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। गठबंधन से हम चुनाव लड़ रहे हैं। जब समर्थन की बात आती है तो मेरे पास हर पार्टी के व्यक्ति का समर्थन है, कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसका समर्थन मुझे सबका समर्थन। कहना है कि कोई चुनौती नहीं है, जीत दर्ज करने में कामयाब होंगे। सही हो गया।